A steel wire having a radius of 2 mm carrying a load of 4 kg is hanging from ceiling. Given that g equals to 3.1 pi meter per second square, what will be the tensile stress that would be developed in the wire? So in the question, we are given a steel wire of radius 2 mm carrying a load of 4 kg is hanging from ceiling. नीचे की तरफ 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है क्योंकि 4 केजी इसका वेट दे रखा है, तो इसकी वजह से खींचेगा ही. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द टेंसाइल स्ट्रेस. यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. और हमको रेडियस दे रखा है और रेट और मास दे रखा है. सो इट इज गिवन दैट. सो यहाँ पे हमको अब स्ट्रेस निकालना है. डायरेक्ट निकाल सकते हैं, स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स डेवलप्ड, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है. तो हम फोर्स अपन एरिया भी लिख सकते हैं, और फोर्स जितना लग रहा है वो 40 न्यूटन है, और एरिया जो है पाई आर स्क्वायर और रेडियस के तरह रखा है हमें 2 mm, 2 × 10⁻³ स्क्वायर. सो वी हैव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 40 upon 4 pi 10⁻⁶. सो वी हैव 10 upon pi. सो इट इज 1 upon pi पॉइंट पाई के आसपास होता है, मैं तो पाई ही लिख लेता हूँ. तो 3.1 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द राइट आंसर. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2019 का था, 18 के बाद से क्वेश्चन बहुत ईजी होने लगे हैं.